अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ऐसे ही पहला व्लॉग है। बाइक पे निकला हुआ था, सोचा कि कुछ व्लॉग ही बना लूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरा बेटा मेरे साथ है। आज गर्मी भी काफ़ी है क्योंकि कल से बारिशों का काम है, बारिशें होनी है 9 तारीख तक। तो अल्लाह पाक की रहमत बरसनी है, कराची का शहर है, थोड़ी सी बारिश हो तो रहमत जहमत में बदल जाती है। मौसम भी तुम्हारे सामने देख लो, बादल भी मक्खन की तरह आए हुए हैं, लेकिन पता तो कल चलेगा जब बरसात होगी और आधा कराची डूबा हुआ होगा। लोग कश्तियां लेके निकल आते हैं, कराची में तो वैसे ही बारिश से बुरा हाल हो जाता है, लेकिन हमारा शहर गुलशनदीप माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। बारिश आते ही 2 घंटे बाद पता ही नहीं चलता कि बरसात हुई है कि नहीं हुई। मेरा बेटा मेरे साथ बड़ा खुश है, इसको मैंने बताया कि बारिश होनी है तो ये कि वो अभी से कहता है कि मुझे नहाना है बारिश में। अफान बात कर। तो मौसम बड़ा प्यारा है, थोड़ी देर पहले जब यहाँ से गुजर रहे थे तो झगड़ा हुआ था, काफ़ी रश था, लोग लड़ रहे थे आपस में। फिर उनको सुलह वुलह करवाई, उनसे बातचीत की। मैंने कहा यार क्यों लड़ रहे हो आपस में, एक बोलता है उसने मुझे गाली दी, दूसरा कहता है उसने मुझे गाली दी। खैर दोनों का सुलह करवाया, थोड़ा मजाक भी हो गया, फन भी हो गया। तो अभी यही हाल है कि बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पहला व्लॉग है। हरकत में बरकत है, बस यूट्यूब पे डालते रहेंगे, कभी ना कभी बरकत पड़ी जाएगी। बस घर की तरफ जा रहे हैं, बाइक की सवारी हल्के हल्के चला रहे, डर भी लगता है, बेटा मेरे साथ है कहीं गिर नहीं जाए। नेक्स्ट टाइम आपके साथ जब कहीं जाना होगा कार पर तो वीडियो शेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही है कि बाइक पे ही घर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा बेटे के 14 अगस्त के कपड़े वपड़े लेने थे, वो ले लिए। बस बच्चों के लिए 14 अगस्त है, हमारे लिए भी आज़ादी का दिन है, बड़ा सेलिब्रेट होता है कराची शहर में। तो आप लोग को सबको पता है कि ईद से ज़्यादा तो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। तो अपना घर की तरफ रवानगी है, अभी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहो।